हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज, महिंद्रा लॉजिस्टिक और स्पार्क शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे सभी पॉइंट्स के ऊपर, बिल्कुल टेक्निकली डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज शेयर के ऊपर। आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में अगर देखेंगे तो आज यहाँ पे 20% का अपर सर्किट हम लोगों को देखने को मिला। स्टॉक लगातार साइडवेज ट्रेड कर रहा था, बट उसके बाद आपको अचानक से एक न्यूज़ आता है और उस न्यूज़ के बाद स्टॉक में जो है हम लोगों को 20% का अपर सर्किट देखने को मिला। तो आखिर ये न्यूज़ क्या था? तो यहाँ पे जो न्यूज़ आया है, ऑलरेडी जो है आपको आलोक इंडस्ट्रीज के जो प्रमोटर हैं वो रिलायंस ग्रुप है, 40% स्टेक उनके पास है। वापस से 3300 करोड़ जो है वो आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज आलोक इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिसके लिए कि उनको प्रेफरेंशियल शेयर अलॉट किया गया है। और इसी न्यूज़ की वजह से जो है यहाँ पे हम लोगों को आलोक इंडस्ट्रीज में एक शानदार तेजी देखने को मिला। तो चलिए अब हम लोग चार्ट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अगर हम लोग चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो स्टॉक जो है काफ़ी अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही शानदार तेजी आज हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिला। यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी वीकली कैंडल क्लोज हुआ नहीं है, वीकली कैंडल क्लोज होने के लिए अभी नेक्स्ट 3 ट्रेडिंग सेशन और वेट करना होगा। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो डेली चार्ट में भी एक शानदार जाइंट कैंडल का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग इस स्टॉक का देखने को मिल रहा है। और वीकली बेसिस पे अगर देखेंगे, वीकली चार्ट में हम लोग देखेंगे तो अप्रैल मई 2022 यानी कि मोर देन 1.5 ईयर के बाद स्टॉक जो है वापस से 25 के लेवल को क्लेम किया है। 25 रुपीज़ के लेवल के ऊपर स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है। एक अच्छा डाउन ट्रेंड हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिला और उसके बाद हम नीचे के लेवल से स्टॉक बाउंस बैक कर रहा है। मंथली बेसिस पे भी अगर देखेंगे तो मंथली बेसिस पे भी एक हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर हम लोगों को दिख रहा है। स्टॉक में लगातार गिरावट हुआ, उसके बाद स्टॉक ने बाउंस बैक करना स्टार्ट किया। यहाँ पे जो है एक इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिला, वापस से स्टॉक रिट्रेस बैक किया और अब जो है प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर जो है स्टॉक आपको वापस से ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। तो इस स्टॉक में इमीडिएट अगर शॉर्ट टर्म की हम लोग बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म में हम लोगों को 35 रुपीज़ तक का एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। और एक बार स्टॉक इस लेवल के ऊपर निकल जाता है, 35 रुपीज़ के लेवल के ऊपर जो है स्टॉक वापस से अपने ऑल टाइम हाई को हिट करने के लिए जा सकता है। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो यहाँ पे जो है आप कंटिन्यूसली होल्ड करके रख सकते हैं। इन केस अगर आपके पास नहीं है, आप इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं तो फिर करंट मार्केट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। नीचे की साइड में जो है 19 रुपीज़ के नीचे अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करके रख सकते हैं। वीकली बेसिस पे अगर स्टॉक वापस से 19 रुपीज़ के नीचे चला जाता है तो फिर आप यहां से एग्जिट कर जाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बात करते हैं और नेक्स्ट स्टॉक है महिंद्रा लॉजिस्टिक। महिंद्रा लॉजिस्टिक के शेयर में भी हम लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त तेजी देखने को मिला। स्टॉक क्लियरली अगर देखेंगे तो डेली चार्ट में अपने सभी रेसिस्टेंस को ब्रेक करके स्टॉक क्लोज हुआ है। काफ़ी टाइम के बाद इस लेवल को वापस से स्टॉक जो है क्लेम किया है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 मंथ के बाद स्टॉक ने इस कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेकआउट किया है। फरवरी 2023 में यानी कि 2023 के फरवरी में स्टॉक इस रेंज में एंट्री किया था, उसके बाद से कंटिन्यूसली स्टॉक इस रेंज में ही ट्रेड कर रहा था और अब फाइनली देखेंगे तो स्टॉक ने इस रेंज को ब्रेकआउट कर दिया है। डेली बेसिस पे एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है और स्टॉक जो है ऊपर की साइड में अब 500 की तरफ जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे जो है स्टॉक ऊपर की साइड में 500 के लेवल
तरफ जा सकता है। अगर इस रेंज को हम लोग देखेंगे तो ये रेंज जो है वो आपको 75 पॉइंट का है, और हम लोगों को पता है कभी भी चैनल पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है तो इमीडिएट टारगेट क्या होता है, इमीडिएट टारगेट होता है रेंज का जो डेप्थ रहता है। यहाँ पे अगर रेंज के डेप्थ को ऊपर की साइड प्रोजेक्ट करेंगे तो हम लोगों को क्लियरली जो है 500 का टारगेट आता है, और साथ ही साथ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस है वो भी आपको 500 के लेवल पे ही है। वीकली बेसिस पे भी अगर देखेंगे, वीकली बेसिस पे स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था, स्टॉक जो है 800 के लेवल से मोर देन 50% का करेक्शन हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिला, और स्टॉक ने यहाँ पे अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया। उसके बाद वीकली बेसिस पे अगर देखेंगे तो वीकली बेसिस पे हम लोगों को एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। क्लियरली जो है स्टॉक ने यहाँ पे आपको एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन किया, काफी छोटा सा इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन किया, ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया, और अब वीकली बेसिस पे भी स्टॉक जो है यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है, बट वीकली बेसिस पे भी कंफर्मेशन आया नहीं है। एक बहुत ही शानदार टारगेट जो है इस स्टॉक में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड में हम लोगों का एसएल रहेगा 350 के नीचे। अगर आप इस स्टॉक को बड़े टारगेट के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो 350 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ जो है इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। ऊपर की साइड में जो है आपको पहला टारगेट जो है यहाँ पे रहेगा 500 का, उसके ऊपर 560 और उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर आपको यहाँ पे 800 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लास्ट स्टॉक की बात करेंगे तो लास्ट स्टॉक है स्पार्क सन फार्मा एडवांस रिसर्च। यहाँ पे भी हम लोगों को लगातार तेजी देखने को मिल रहा है इस स्टॉक के ऊपर। इससे पहले भी मैंने आपको ट्विटर पे अपडेट किया था, इनकेस अगर अभी तक आप लोगों ने ट्विटर और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक के थ्रू आप ट्विटर और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको और भी स्टॉक्स के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहता है। तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो लगातार इस स्टॉक में जो है हम लोगों को प्रीवियस 3-4 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे एक शानदार तेजी देखने को मिल रहा है। और वीकली बेसिस पे अगर बात करेंगे तो वीकली बेसिस पे स्टॉक एक बहुत ही अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक जो है इस वीक में एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दे सकता है, जो कि स्टॉक ने 5 ईयर के टेन्योर में बनाया है। 2018 से ही स्टॉक यहां पे आपको रिट्रेस बैक कर रहा था, यहां पे सबसे पहले बनाया कप, वापस से रिट्रेस किया और यहां पे बनाया है एक हैंडल। अब यहां पे ब्रेकआउट लेवल है 345-350 का। एक बार स्टॉक यहां पे आपको 350 के ऊपर निकल जाता है तो फिर इस स्टॉक में जो है एक शानदार तेजी ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। स्टॉक जो है इमीडिएटली आपको 500 और इसके ऊपर अगर निकलता है तो और भी ज़्यादा तेजी देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।